मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को 21 विभागों के 8,837 युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे। कहा, पटवारी परीक्षा देने वाले युवाओं का संघर्ष बड़ा था, इनका मुकाबला भी कड़ा था। अगर परीक्षा दी है तो जांच के नाम पर लोगों को बेरोजगार रखना बीजेपी सरकार को मंजूर नहीं है। ऐसी किसी धमकी से सरकार डरने वाली नहीं है। अगर गलत हो गया तो सस्पेंड करेंगे, कार्रवाई करेंगे। परीक्षा देने वाले बेरोजगारों के साथ ऐसा करना तो बड़ी बात है। हमारे यहाँ ड्राइवर के रूप में नौकरी करने वाला सामान्य व्यक्ति भी किसी से मदद का मोहताज नहीं है। मंगलवार को भोपाल के लाल परेड मैदान में राज्य स्तरीय स्वच्छता प्रेरणा समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 8,837 को नियुक्ति पत्र, भोपाल मेट्रो के सेकंड चरण का भूमि पूजन और निकाय के पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा, आज 8,837 लोगों को रोजगार मिला, अब इनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। आज के समय में रोजगार मिल रहा है, इससे बड़ी और क्या बात होगी। हम एक हफ्ते के अंदर 15,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने वाले हैं। इतना ही नहीं, यहाँ मेट्रो रेल भोपाल के सेकंड चरण का भूमि पूजन हुआ। मिलाकर के आज के इस कार्यक्रम में 8,837 अलग अलग लोगों को रोजगार मिला। जोरदार ताली बजाओ, एक बार अपने स्थान पे खड़े होकर के सबके साथ अपनी सहानुभूति दे। जोरदार तालियां बजाओ अपने स्थान पे खड़े होकर के, कि आज उनका जीवन नए सिरे से आगे बढ़ रहा है। नगरी निकाय और उनके विकास कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए खातों में डाले गए। मुख्यमंत्री ने कहा, अयोध्या का 500 साल का संघर्ष था, कांग्रेस ने कदम कदम पर रोड़े अटकाया। सबूत पूछे कहां राम का जन्म स्थान है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। 70 साल तक जो इकबाल भाई विरोध में रहे, वे भी भगवान रामलला के मंदिर के भूमि पूजन में सम्मिलित हुए थे। हम तो जय श्री राम के नारे के साथ 24 घंटे जीवन गुजारते हैं। कांग्रेस के नेताओं ने भगवान के गर्भगृह में प्रवेश का आमंत्रण ठुकराया, हमारे मन में वह पीड़ा है। अब जनता इस अपमान का बदला लेगी। वहीं नगरी प्रशासन एवं आवास व संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, एक समय था जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और मैं प्रवास पर जाते थे। सड़क के किनारे शौच के लिए जाने वाली महिलाएं बैठी मिलती थी, पुरुषों को देखकर खड़ी हो जाती थी। अब समय बदला है और हर घर में शौचालय हो गया है। आज मुझे कहते हुए गर्व है कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर मध्य प्रदेश में भी ऐसा एक भी गांव नहीं है जब महिलाएं बाहर शौच करने जाती हो। इसका श्रेय जाता है तो मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, द खबरदार न्यूज।